नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं अवकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.3 के एग्जांपल 14 to 20। आज हम टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा और नॉर्मल यानी अभिलंब, इसके बारे में पढ़ेंगे। वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट x1 y1 हैविंग फाइनाइट स्लोप m इज गिवन बाय, यानी हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी रेखा का समीकरण, कौन सी रेखा का समीकरण, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट x1 y1 यानी x1 y1 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन कौन सी होती है जिसका स्लोप यानी ढाल, स्लोप को अपन हिंदी में ढाल कहती हैं या प्रवणता भी कहती हैं, तो जिसका स्लोप m हमको दिया हुआ है। तो यदि किसी लाइन का स्लोप m है और वो लाइन x1 y1 से पास होती है तो उस लाइन की इक्वेशन होती है y-y1 इक्वल m इंटू x-x1। नोट दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व y इक्वल fx एट द पॉइंट x1 y1 इज गिवन बाय, तो यदि कोई टेंजेंट है, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा, कोई कर्व y इक्वल fx की किस पॉइंट पर, x1 y1 यानी कोई कर्व है y इक्वल fx, उस कर्व पर x1 y1 कोई पॉइंट है, x1 y1 कहाँ पर पॉइंट है, कर्व के ऊपर, तो उस पॉइंट पर टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा का जो स्लोप है वो हम कैसे निकालेंगे, उस कर्व का डिफरेंशियल कर देंगे यानी dy/dx और dy/dx में वो पॉइंट पुट कर देंगे यानी dy/dx x1 y1 जो पॉइंट दिया होगा, जो कर्व पर पॉइंट है जिस पर हमें टेंजेंट या स्पर्श रेखा निकालनी है, तो हम उस कर्व का डिफरेंशियल करेंगे और डिफरेंशियल में x1 y1 लिख देंगे, उस x1 की जगह x की जगह पर x1 और y की जगह पर y1, तो dy/dx हमें प्राप्त हो जाएगा जिसको हम उस कर्व के x1 y1 पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप कहेंगे, यानी टेंजेंट कोई स्पर्श रेखा होगी x1 y1 पर, उस टेंजेंट का स्लोप m या f'(x1) dy/dx x1 y1 होगा। जैसे अपन को जो कर्व दिख रहा है और जे मान लिया कर्व की इक्वेशन है, जे कर्व हमारा है कौन सा, y=fx यानी ये हमारा कोई कर्व है, उस कर्व पर जे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन x1 y1 कहें, यहाँ पर कोई पॉइंट है x1 y1, तो इस पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है उसको अपन नॉर्मल कहती हैं, किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, यानी ए पॉइंट पर ये टेंजेंट है और उसी पॉइंट पर ए नॉर्मल है, नॉर्मल टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट को हिंदी में हम स्पर्श रेखा कहते हैं और नॉर्मल को अभिलंब, यानी स्पर्श रेखा पर जो लंब रहता है, परपेंडिकुलर रहता है, वो नॉर्मल कहलाता है। सो द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट यानी हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे x1 y1 पर, तो क्या होगी, y-y1 इक्वल जो m था, m की जगह पर हम जे स्लोप लिख देंगे क्योंकि अभी हमने फाइंड किया कि m यानी स्लोप कितना होगा, dy/dx x1 y1, तो dy/dx x1 y1 यहाँ पे हम स्लोप यानी प्रवणता लिख देंगे, तो y-y1 इक्वल dy/dx x1 y1 और x-x1। इस प्रकार से जी हमें टेंजेंट की इक्वेशन यानी स्पर्श रेखा का समीकरण मिल जाता है कर्व के x1 y1 पॉइंट पर। ऑल्सो सिंस द नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, यानी जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर होता है किस पर, टेंजेंट पर, देन द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y=fx, तो वो कोई कर्व है उसके उसी x1 y1 पॉइंट पर नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, -1/dy/dx x1 y1 यानी जो टेंजेंट का स्लोप होता है उसको हम -1
के अपॉन में लिख देते हैं, क्यों कि दो लाइनें जब परपेंडिकुलर रहती हैं यानी टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होना चाहिए। इसलिए डी वाई वाई डी एक्स एक्स वन वाई वन जे टेंजेंट का स्लोप है तो इसको अपॉन में लिख देंगे माइनस वन अपॉन, तो वो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा यानी माइनस वन अपॉन एफ डैश एक्स वन, इसको हम माइनस वन अपॉन एम भी कह देते हैं क्योंकि एम टेंजेंट का स्लोप है। बस शर्त ये होना चाहिए कि एफ डैश एक्स वन की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, अन्यथा अपॉन में जीरो इसका मतलब नॉट डिफाइंड क्वांटिटी हो जाएगी। देयरफोर द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, यानी फिर नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, किस पर जो बाय वक्र है बाय इक्वल एफ एक्स का पॉइंट एक्स वन बाय वन पर बाय माइनस बाय वन इक्वल माइनस वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स वन बाय वन एक्स माइनस एक्स वन, ये हमारा नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पर अपन एफ डैश एक्स वन भी लिख सकते हैं और इसका अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बाय माइनस बाय वन एफ डैश एक्स वन इक्वल माइनस के एक्स माइनस एक्स वन, और इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो जी इस प्रकार से हम इसको कहें या इसको कहें ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पर देखने वाली बात है कि इफ़ अ टेंजेंट लाइन टू द कर्व बाय इक्वल एफ एक्स, यानी बाय इक्वल एफ एक्स पर कोई हम टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करें या टेंजेंट लाइन है किसी कर्व बाय इक्वल एफ एक्स की, मेक एन एंगल थीटा, यदि वो थीटा एंगल बनाती है विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ में इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टेन थीटा, यानी कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बनाती है तो उस टेंजेंट का स्लोप टेन थीटा से निकालेंगे, यानी जो भी एंगल होगा उसका टेन ले लेंगे तो हमें स्लोप पता चल जाएगा। पर्टिकुलर केस क्या होता है, फर्स्ट इफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, यानी कोई टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप, स्लोप यानी ढाल प्रवणता इज जीरो, यदि किसी टेंजेंट लाइन का स्लोप जीरो है इसका मतलब है टेन थीटा जीरो है, तो टेन थीटा जीरो है इसका मतलब थीटा कितना होगा जीरो, यानी विच मीन्स इसका मतलब है कि द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यदि थीटा जीरो है तो जो टेंजेंट लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी समांतर होगी। इन दिस केस, इस केस में द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स वन वाई वन, और इस केस में जो टेंजेंट की इक्वेशन है यानी स्पर्श रेखा का समीकरण है वो हो जाएगा वाई इक्वल वाई वन, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है वाई माइनस वाई वन इक्वल एम एक्स माइनस एक्स वन, तो एम यानी स्लोप जीरो हो जाएगा तो इतना पोर्शन पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो जीरो होने के बाद में बाय माइनस बाय वन इक्वल जीरो, तो बाय इक्वल बाय वन। सेकेंड केस में इफ थीटा पाई बाय टू, यानी थीटा पाई बाय टू की साइड में जा रहा है धीरे धीरे, या थीटा पाई बाय टू है तो हम मालूम है कि टेन थीटा पाई बाय टू यानी टेन पाई बाय टू इन्फाइनेट होता है तो जो स्लोप है वो इन्फाइनेट हो जाएगा यानी नॉट डिफाइन, तो यदि थीटा 90 होता है तो उसका स्लोप नॉट डिफाइन यानी इन्फाइनाइट से अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो टेन थीटा इन्फाइनेट हो जाएगा, विच मीन्स द टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, यदि एक्स एक्सिस पर कोई टेंजेंट परपेंडिकुलर है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है तभी तो थीटा 90 होगा, तो यदि एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है तो वो बाय एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी टेंजेंट एक्स के परपेंडिकुलर है तो बाय एक्सिस के कैसा होगा वो पैरेलल, तो इस केस में इन दिस केस द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स वन बाई वन, तो उस कर्व के किसी पॉइंट एक्स वन बाई वन पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल एक्स वन, क्यों हो जाएगी, बिकॉज वाई माइनस बाई वन इक्वल एम एक्स माइनस एक्स वन, ये लाइन का फॉर्मूला होता है एक्स वन बाई वन से पास होने वाली जिसका स्लोप या प्रवणता या ढाल एम है, तो चूँकि लाइन एक्स एक्स के परपेंडिकुलर है तो एम यानी स्लोप उसका टेन थीटा यानी टेन पाई बाई टू इन्फाइनेट हो गया, तो एम की जगह इन्फाइनेट लिखेंगे तो इन्फाइनेट यानी वन अपॉन जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, तो एक्स माइनस एक्स वन इक्वल जीरो, तो एक्स इक्वल एक्स वन, इस प्रकार से ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन हो जाती है।
एग्जाम्पल 14 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल एक्स क्यूब माइनस एक्स एट x इक्वल टू, यानी स्लोप यानी हमें ढाल निकालना है ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, यानी इस कर्व के किसी टेंजेंट का, किस टेंजेंट का, जहाँ पर x इक्वल टू है, यानी कर्व के उस पॉइंट पर जहाँ पर x इक्वल टू है उस पर यदि हम टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा ड्रॉ करें खींचें, तो उस स्पर्श रेखा या टेंजेंट का स्लोप या ढाल फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन है, हमको गिवन है y इक्वल एक्स क्यू माइनस एक्स, यानी हमको एक कर्व दिया है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो dy वाई अपॉन डी एक्स इक्वल थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब हमें जो स्लोप दिया है वो x इक्वल टू पर फाइंड करना है, तो इसमें x की जगह पर 2 लिखेंगे तो dy वाई अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल टू थ्री, और x की जगह पर 2 लिख देंगे टू स्क्वायर माइनस वन, तो जो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 इंटू 4 12, 12 माइनस 1 11, तो ये आपका स्लोप x इक्वल टू पर कितना हो जाएगा 11। इसी क्रम में एग्जांपल 15 है, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल रूट 4x माइनस 3 माइनस 1 हैज इट्स स्लोप 2 अपॉन 3, मतलब फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट, यानी टेंजेंट पर हमें ऐसा पॉइंट निकालना है, यानी टू द कर्व, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व वाई इक्वल अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1 हैज इट्स स्लोप 2 अपॉन 3, यानी कर्व के उस पॉइंट पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करें जिसका स्लोप 2 अपॉन 3 है, तो वो पॉइंट कौन सा है, यानी कर्व के किस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें जिसका स्लोप 2 अपॉन 3 हो, फाइंड द पॉइंट एट बीच, यानी वो वाला पॉइंट निकालो जहाँ पर टेंजेंट टू द कर्व यानी इस कर्व की टेंजेंट हैज इट्स स्लोप 2 अपॉन 3, जो उसका स्लोप है वो 2 अपॉन 3 रखता है, यानी उसका जो प्रवणता ढाल है वो 2 अपॉन 3 हो। तो इसका सॉल्यूशन है, गिवन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, हमको एक कर्व की इक्वेशन दी है, उसका हम डिफरेंशियल करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल, ये रूट के अंदर इसको हमने एक्स मान लिया, तो रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट, और ये हमारा एक्स है, और फिर जिसको एक्स मानते हैं उसका फिर से करना पड़ता है, तो 4x माइनस 3 का फिर से करेंगे तो 4x का 4 हो जाएगा और 3 का 0, तो इसका 4 और हो जाएगा फिर माइनस 1 का 0 हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो 2 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस 3, इस प्रकार से ये हमारा dy बाई dx आ जाता है। लेकिन जो स्लोप है वो हमें दिया है, कितना दिया है 2 अपॉन 3, तो हम इसके जो है इसके इक्वल में 2 अपॉन 3 लिख देंगे, तो 2 अपॉन 3 इक्वल 2 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 4x माइनस 3 इधर चला जाएगा इस साइड में, और 3 हमारा RHS में पहुंच जाएगा, इसका स्क्वायरिंग करेंगे बोथ द साइड, तो स्क्वायरिंग करने पर 4x माइनस 3 इधर 9 हो जाएगा, माइनस 3 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 4x इक्वल 9 प्लस 3 यानी 12 हो जाएगा, तो x इक्वल 12 अपॉन 4 यानी 3, x की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो हमको मालूम है कि जब x की वैल्यू 3 है तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन से y इक्वल अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1, इसमें x की जगह पे हम 3 लिख देंगे तो 4 3 जा 12 माइनस 3 12 माइनस 3 हो जाएगा हमारा 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 2, तो बाय 2 हो जाएगा, तो x 3 है और बाय 2 है, यानी जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो हो जाएगा 3 और 2, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा कर्व के ऊपर, यानी इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट का स्लोप 2 अपॉन 3 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी में एग्जांपल 16 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, हमें सभी लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है, कौन सी, हैविंग स्लोप 2, जो 2 स्लोप रखती हैं यानी जिनका ढाल या स्लोप 2 है, एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व, और वो इसकी कर्व हो, इस कर्व की टेंजेंट हो, यानी इस कर्व की वो वाली टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है जिसका स्लोप
टू है, तो सभी लाइनें पैरेलल होंगी क्योंकि पैरेलल लाइन के ही स्लोप सेम होती हैं, तो जो भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो आपस में पैरेलल होंगी, पर इस कर्व की वो टेंजेंट होंगी। तो पहले अपन जो कर्व दिया है उसका डिफरेंशियल करें, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाय का डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस टू, ऐसे ही कैसे लिख देंगे, जो वन अपॉन एक्स, इसको एक्स मान लिया तो वन अपॉन एक्स का डिफरेंशियल माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर जिसको एक्स मानते हैं उसका डिफरेंशियल हमें एक बार फिर से करना पड़ता है, तो एक्स माइनस थ्री का डिफरेंशियल फिर से करेंगे तो एक्स का वन हो जाएगा, थ्री का जीरो, तो वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल जीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, इसको हम इक्वल में इधर ट्रांसफ़र कर देंगे आरएचएस में तो वो प्लस का हो जाएगा। इस प्रकार डी वाई बाई डी एक्स हमें प्राप्त हो जाएगा टू अपॉन एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। व्हाट द स्लोप इज गिवन टू बी टू, हमें इसका स्लोप कितना दिया है टू, तो इसको हम टू के इक्वल में रख कर एक्स पता करेंगे, तो इसको हमने टू के इक्वल में लिखा और टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल वन, तो इसका स्क्वायर आएंगे तो एक्स माइनस थ्री इक्वल प्लस माइनस वन, एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन एक बार प्लस साइन ले लेंगे तो एक्स माइनस थ्री इक्वल वन, इससे एक्स की वैल्यू फोर प्राप्त हो जाएगी। फिर सेकेंड में टेकिंग नेगेटिव साइन तो एक्स माइनस थ्री इक्वल इसमें माइनस वन लिख लेंगे, तो माइनस वन लिखेंगे इससे हमें एक्स की वैल्यू, माइनस थ्री को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो थ्री हो जाएगा, थ्री माइनस वन टू करके एक्स की वैल्यू हमें टू प्राप्त हो जाएगी। तो इफ़ एक्स इक्वल टू, जब एक्स की वैल्यू टू है, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y प्लस टू अपॉन टू माइनस थ्री, उसमें x के जगह पर 2 लिख देंगे तो हमें इससे y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, तो 2 माइनस थ्री माइनस वन, यानी तो y माइनस टू इक्वल जीरो। तो जिससे हमें y की वैल्यू 2 प्राप्त हो जाएगी, देन द पॉइंट ऑन द कर्व, तो कर्व पर हमें जो पॉइंट फाइंड करना था वो क्या हो जाएगा 2 और 2। सेकेंड इफ x इक्वल 4, यदि x 4 है देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दोबारा से वो फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिलेगा, बाय प्लस टू अपॉन फोर माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री था तो फोर माइनस थ्री हो जाएगा, फोर में से थ्री जाएगा वन बचेगा, इसको हम इधर ट्रांसफर देंगे माइनस टू, तो जब एक्स फोर है उस समय बाय माइनस टू आ जाएगा, देयर फोर द पॉइंट ऑन द कर्व फोर और माइनस टू। दस देयर आर टू टेंजेंट्स टू द कर्व, टू द गिवन कर्व, यानी अब हमें दो टेंजेंट्स मिल जाएंगी टू द गिवन कर्व विद स्लोप टू, जिनका स्लोप टू है, क्योंकि स्लोप को टू करके ही तो हमने अभी दो पॉइंट फाइंड किए, कौन कौन से, पासिंग थ्रू द पॉइंट टू टू एंड फोर माइनस टू, यानी हमें ऐसी दो टेंजेंट प्राप्त होने वाली हैं जिनका स्लोप टू है और जो पॉइंट टू टू और फोर माइनस टू से पास होती हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू टू टू, यानी टू टू से जाने वाली टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा का समीकरण, ऐसी स्पर्श रेखा का समीकरण जो दो दो से होकर जाती है। तो ये फॉर्मूला है हमारा बाय माइनस बाय वन इक्वल एम एक्स माइनस एक्स वन, तो बाय माइनस बाय वन, ये टू हो जाएगा बाय वन, और एम स्लोप हमने निकाल लिया टू, क्योंकि वो तो गिवन है टू, और एक्स माइनस एक्स वन भी टू है, तो बाय माइनस टू इक्वल टू एक्स माइनस टू, अंदर प्रोडक्ट कर देंगे तो टू एक्स माइनस फोर, इसको सॉल्व करके हमें प्राप्त हो जाएगा बाय माइनस टू एक्स प्लस टू इक्वल जीरो। इसी प्रकार सेकंड में द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट थ्रू फोर माइनस टू, यानी फोर माइनस टू से पास होने वाली टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, बाय माइनस बाय वन, इसमें बाय वन कितना है माइनस टू इक्वल एम, स्लोप तो हमको टू ही दे रखा है, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना है फोर, तो इसका अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई, ये आपका वाई है, वाई प्लस टू इक्वल टू एक्स माइनस एट, इसको सॉल्व करके हमें प्राप्त हो जाएगा वाई माइनस टू एक्स प्लस टेन इक्वल जीरो। इस प्रकार से हमें टेंजेंट की इक्वेशन प्राप्त हो जाती हैं। एग्जांपल 17, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व, एक कर्व दिया है, कर्व पर हमें ऐसे पॉइंट्स निकालना है एट बीच, जहाँ पर टेंजेंट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस और सेकंड पैरेलल टू बाय एक्सिस, यानी कर्व पर ऐसे पॉइंट हमको पता करना है कि जहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और सेकंड कंडीशन में बाय एक्सिस के
पैरेलल हो, जब बाय एक्सिस के पैरेलल होगा इसका मतलब उस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। तो ये ऐसा भी आ सकता है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेकंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, इस प्रकार से ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन है, गिवन द इक्वेशन ऑफ कर्व, हमें कर्व की इक्वेशन दी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल 1, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, 2x अपॉन 4, तो ये 2x अपॉन 4 हो गया प्लस 1 अपॉन 25 ऐसे ही रहेगा, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y और y का dy अपॉन dx इक्वल 0। इस प्रकार से ये कैंसिल होके x अपॉन 2 आ जाएगा प्लस जो जाएगा 2y अपॉन 25 dy बाय dx, 2y अपॉन 25 dy बाय dx। अब हम इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 2y अपॉन 25 dy बाय dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस x अपॉन 2, और जो हम dy बाय dx की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो 25 है वो ऊपर चला जाएगा और 2y नीचे आ जाएगा, तो माइनस के 25x, माइनस के 25x अपॉन 2 टू जा 4y, 4y नीचे आ जाएगा। तो फर्स्ट, नाउ द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यदि वो टेंजेंट है नहीं स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है, तो हमने अभी पहले जो वीडियो स्टार्टिंग में इसकी थ्योरी देखी थी तो हमने देखा था यदि कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल रहती है तो उसका जो स्लोप या स्पर्श रेखा का स्लोप है वो जीरो होगा। तो स्पर्श रेखा का स्लोप यानी ढाल कितना होगा, जीरो, तो इसकी जगह पर हम इसके इक्वल में जीरो लिख देंगे। तो यहाँ पे हम जीरो लिखकर सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे अपन कुछ नहीं होता तो बन मानते हैं, तो ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस के 25x इक्वल जीरो, इससे हम x की वैल्यू जीरो मिल जाएगी। तो x यदि जीरो है तो x की जगह पे जीरो लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो एक्स जीरो प्लस बाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल 1, तो बाई स्क्वायर इक्वल 25, तो बाई प्लस माइनस 5, इस प्रकार से हमें पॉइंट मिल जाता है। दस द पॉइंट एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल यदि कोई टेंजेंट है तो किस किस पॉइंट पर होगी, हो सकती है वो 0, 5 और 0, -5, यानी ये दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। सेकेंड, द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू बाय एक्सिस, यानी बाय के पैरेलल होगी, इसका मतलब एक्स पर परपेंडिकुलर होगी। तो इफ़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इनफाइनाइट, यदि टेंजेंट का स्लोप इनफाइनाइट रहता है तो वो टेंजेंट बाय के पैरेलल होगी या एक्स पर परपेंडिकुलर, क्योंकि एक्स पर परपेंडिकुलर होगी तो थीटा 90 होगा। एक्स के साथ में जो एंगल बनाती है कोई लाइन, एक्स के साथ में जो एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन में, उसके टेन को ही हम स्लोप कहते हैं। तो यदि एक्स एक्सिस पर कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो वो थीटा 90 हो जाएगा, तो 10-90 इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका मतलब स्लोप उसका हो जाएगा इनफाइनाइट। तो x पे परपेंडिकुलर यानी बाय के पैरेलल, तो बाय के पैरेलल कोई लाइन है तो उसका स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा, और जो नॉर्मल है नॉर्मल, तो नॉर्मल का स्लोप जीरो हो जाएगा, यानी टेंजेंट का स्लोप इनफाइनाइट और नॉर्मल का स्लोप जीरो, क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट पे परपेंडिकुलर रहता है तो उसका स्लोप जीरो हो जाएगा। तो माइनस के 25 अपॉन एक्स, अब माइनस के 25x अपॉन 4y, माइनस के 25x अपॉन 4y, इसको हम इनफाइनाइट लिख देंगे क्योंकि स्लोप हमको इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट को अपन 1 अपॉन 0 लिख सकते हैं, और इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो 4y इक्वल 0, तो 4y इक्वल 0 से हमें एक्स की y की वैल्यू 0 प्राप्त हो जाएगी। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 0 इक्वल 1, इससे एक्स स्क्वायर इक्वल 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2। हैंस द पॉइंट एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू बाय एक्सिस, यानी बाय एक्सिस के पैरेलल कोई टेंजेंट है तो वो पॉइंट हो जाएंगे 20-20। एक्स की वैल्यू हमको प्लस माइनस 2 प्राप्त हो गई, तो एक्स की वैल्यू 2 और माइनस 2 है, और बाय की वैल्यू 0, क्योंकि हमें बाय 0 प्राप्त था, यानी बाय की वैल्यू 0 थी उसी समय एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 आई, क्योंकि बाय की जगह पर 0 लिखा, तो बाय की जगह पर 0 लिखने के बाद ही हमें x की दो वैल्यू प्राप्त हुई, तो वो पॉइंट हो जाएगा 20 और -20, यानी इन दो पॉइंटों पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट पैरेलल टू बाय एक्सिस, यानी बाय एक्सिस के पैरेलल होगा। एग्जांपल नंबर 18 है,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन हमें फाइंड करना है टू द कर्व, एक कर्व दिया है उस कर्व के टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करो किस पॉइंट पर, एट द पॉइंट वेयर इट्स कट्स द एक्स एक्सिस, यानी जो कर्व है कर्व एक्स एक्सिस को जहाँ पर कट करता है उस पॉइंट पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करना है। जो कर्व है कर्व एक्स एक्सिस को जहाँ पर भी कट करता है उस पॉइंट पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखें, इफ द कर्व y इक्वल x माइनस सेवन अपॉन एक्स माइनस टू और इंटू एक्स माइनस थ्री, यानी ये कर्व है तो कर्व कट्स द एक्स एक्सिस, यानी जो कर्व x एक्सिस को कट करेगा देन ऑन x एक्सिस y इक्वल जीरो, तब हम जानते हैं कि x एक्सिस पर y की वैल्यू जीरो होती है, तो ये जो कर्व x एक्सिस को जहाँ पर भी कट करेगा वहाँ पर y जीरो होगा, तो y की जगह पर जीरो पुट कर कर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल जीरो इन गिवन कर्व, तो हम जीरो पुट कर देंगे तो x माइनस सेवन अपॉन x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, तो ये दोनों ब्रैकेट तो जीरो में चले जाएंगे, तो x माइनस सेवन इक्वल जीरो, इससे हमें x प्राप्त होता है सेवन, दस द कर्व कट्स द x एक्सिस एट सेवन जीरो, यानी कर्व x एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा सेवन जीरो, यानी एक पॉइंट है सेवन जीरो वहाँ पर कट करेगा, तो इस सेवन जीरो पर हमको टेंजेंट फाइंड करना है, तो हम इसी पॉइंट पर हम स्लोप निकालें, स्लोप के लिए हमें कर्व का डिफरेंशियल की आवश्यकता पड़ेगी। तो नाउ गिवन द इक्वेशन ऑफ कर्व, जो कर्व की हमको इक्वेशन दी थी इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो y इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इधर पहुंचा दिया इक्वल x माइनस सेवन, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, अब डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, हम डायरेक्ट भी डिफरेंशियल कर सकते थे पर इससे हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी होगी। डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे फर्स्ट सेकेंड फंक्शन मानकर, तो फर्स्ट फंक्शन वैसे के वैसा सेकेंड का डिफरेंशियल, तो इसका डिफरेंशियल होगा 2x माइनस फाइव, इसका जीरो हो जाएगा, तो 2x माइनस फाइव और ये इसका जीरो हो जाएगा, तो फर्स्ट वैसे के वैसा सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस, अब सेकेंड फंक्शन वैसे के वैसा लिखेंगे और फर्स्ट एनी बाय का डिफरेंशियल हमें हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर इक्वल एक्स का डिफरेंशियल वन और सेवन का जीरो, इस प्रकार से ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो वन माइनस वाई इंटू टू एक्स माइनस फाइव, चूँकि ये इन दोनों का प्रोडक्ट था तो इसको हमने फिर से लिख दिया एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट अपॉन में चले जाएंगे, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स प्राप्त हो जाएगा वन माइनस वाई इंटू टू एक्स माइनस फाइव अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट सेवन जीरो, यानी सेवन जीरो पर स्लोप कितना आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स में हम सेवन जीरो यानी एक्स की जगह पर सेवन और वाई की जगह पर जीरो पुट कर देंगे, तो वन माइनस वाई की जगह पर जीरो पुट करेंगे तो इसमें एक्स की जगह पर सेवन पुट करने के बाद भी ये पूरा का पूरा जीरो जाएगा क्योंकि जीरो का इसमें प्रोडक्ट होगा, और एक्स की जगह पर सेवन तो सेवन माइनस टू और सेवन माइनस थ्री, इस प्रकार से ऊपर तो वन आ जाएगा, नीचे सेवन में से टू जाएगा फाइव और सेवन में से थ्री जाएगा फोर, यानी वन अपॉन ट्वेंटी इसका हमें स्लोप प्राप्त हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स सेवन जीरो पर वन अपॉन ट्वेंटी, एक बटे बीस इसका स्लोप मिल जाएगा। देयरफॉर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट सेवन जीरो इज वन अपॉन ट्वेंटी, हेंस द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब हम टेंजेंट की इक्वेशन यानी स्पर्श रेखा का समीकरण निकालें, पॉइंट भी हमें प्राप्त हो गया सेवन जीरो और स्लोप भी हमें वन अपॉन ट्वेंटी पता चल गया, तो फॉर्मूला होता है बाय माइनस बाय वन डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स वन बाई वन पर जो स्लोप होगा वो और एक्स माइनस एक्स वन, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, तो बाय माइनस बाय वन कितना है जीरो, तो यहाँ पर हम जीरो पुट कर देंगे इक्वल स्लोप हमारा वन अपॉन ट्वेंटी था एक्स माइनस एक्स वन हमारा सेवन है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बाय इक्वल एक्स माइनस सेवन, इससे हमें प्राप्त हो जाएगा 20 बाय माइनस एक्स प्लस सेवन इक्वल जीरो, तो ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगी। एग्जांपल 19 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, अब हमें टेंजेंट और नॉर्मल यानी स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों की इक्वेशन निकालना है,
किस कर्व की, एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इक्वल टू, ये कर्व की किस पॉइंट पर, एट पॉइंट 1/1, यानी इस कर्व के 1/1 पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन है, हमको गिवन द इक्वेशन ऑफ कर्व, हमें कर्व की इक्वेशन दी है, तो इसका डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे तो जो पावर है 2/3 वो पावर आगे आ जाएगी 2/3 और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस ऐसे ही बाय में 2/3 पावर आगे आ जाएगी और 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पर बाय का भी डीवाई बाय डीएक्स हो जाएगा क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं और 2 का 0 हो जाएगा। तो 2/3 बाय की पावर जो एलसीएम लेंगे तो -1/3 हो जाएगा और डीवाई बाय डीएक्स इक्वल, इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो जो हो जाएगा माइनस के 2/3 एक्स की पावर -1/3, 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो बाई की पावर -1/3 अपॉन में आ जाएगा। अब चूंकि इनकी जो पावर है वो माइनस में है तो इनको प्लस में करने के लिए एक्स की पावर -1/3 को हम अपॉन में लाएंगे और अपॉन जो डिनोमिनेटर है उसको हम न्यूमिनेटर यानी अंश में भेज देंगे बाई की पावर -1/3 को, तो जो हो जाएगा -y^3 अपॉन एक्स की पावर 1/3, इसको हम एक साथ में लिख सकते हैं dy/dx इक्वल -y/x होल टू दी पावर 1/3। दियर फोर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी टेंजेंट का स्लोप, स्लोप यानी dy/dx, इस फॉर्मूले से हम स्लोप फाइंड करेंगे, पर किस पॉइंट पर हमको स्लोप निकालना है, एट 1/1 यानी 1/1 पर स्लोप निकालना है, तो dy/dx में हम 1/1 लिख देंगे यानी x की जगह पर 1 और y की जगह पर 1। तो देखें ये y की जगह पर 1 लिखेंगे, x की जगह पर 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर 1/1 आ गया, माइनस पहले से था तो 1/1 यानी 1 हो गया, 1 की पावर कुछ भी करें 1 ही आएगा, तो 1 मतलब माइनस 1 आ गया हमारा सॉल्व करके, तो -1, तो 1/1 पर जो स्लोप है टेंजेंट का वो हमें -1 प्राप्त हो गया, तो 1/1 हमको पॉइंट भी मिल गया, स्लोप भी मिल गया, तो टेंजेंट की जो लाइन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी 1/1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो समीकरण क्या होगा, y-y1 यानी y1 आपका हमारा 1 है, तो y-1 इक्वल m आपका -1 आ चुका है और x-1 यानी एक्स जो 1 आ जाएगा, x1 हो जाएगा, तो y-1 माइनस का प्रोडक्ट करेंगे -x -+1, इस प्रकार से हमें x+y=2 ये हमें टेंजेंट की इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। ऑल्सो द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, यानी नॉर्मल का स्लोप क्या होगा इस 1/1 पॉइंट पर, यानी इसी पॉइंट पर नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, तो नॉर्मल के स्लोप अपन पहले भी पढ़ चुके हैं -1/dy/dx, यानी जो टेंजेंट का स्लोप है उसको माइनस के 1 के अपॉन में लिख देते हैं, तो इसका स्लोप -1 आया, तो -1/-1 यानी 1 हो गया, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट 1/1 यानी बिंदु 1/1 पर अविलंब का समीकरण, y-y1 जो y1 हो जाएगा और इसका स्लोप 1 है x-x1, इसको सॉल्व करेंगे तो y-1 x-1 इसको तो 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, y=x या y-x=0, तो जी हमें नॉर्मल की इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी यानी अविलंब का समीकरण हमें मिल जाएगा। एग्जांपल 20 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी इसमें भी हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करना है, टू द कर्व गिवन बाय x=a sin³t और y=b cos³t एट अ पॉइंट वेयर t=π/2, यानी जहाँ पर t π/2 है उस पॉइंट पर जो कर्व हमको दिया है, किस फॉर्म में दिया है, ये इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन दी है यानी प्राचल समीकरण, x और y में अलग अलग दिया रहता है, तो किसी कर्व में, किसी कर्व की x और y में जब अलग अलग इक्वेशन दी रहती है तो वो पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाता है, कर्व का प्राचल समीकरण कहलाता है, जहाँ पर पैरामीटर t है, t क्या है, प्राचल यानी पैरामीटर, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दो कर्व नहीं है, कोई एक कर्व है एक्स और वाई, उसकी इक्वेशन है उसी कर्व की पैरामेट्रिक फॉर्म में प्राचल समीकरण के रूप में दी है, तो इस कर्व पर t=π/2 जहाँ पर t π/2 होगा उस पॉइंट पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, गिवन x=a sin³t, इसका डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t, तो
एक्स का हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल कर रहे हैं, इक्वल ए, ये पावर आगे आ जाएगी तो 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का कॉस्ट टी हो जाएगा क्योंकि पावर कम हो जाएगी, फिर साइन टी का भी करना पड़ेगा तो साइन टी का कॉस्ट टी। इस प्रकार 3a इंटू साइन स्क्वायर टी और कॉस्ट टी, ये हमें डी एक्स अपॉन डी टी प्राप्त हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अगेन गिवन द कर्व, दोबारा से हमको एक सेकंड कर्व भी दिया है, सेकंड इक्वेशन दी है कर्व की, तो y इक्वल बी कॉस क्यूब टी, इसका भी हम डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल बी, उसमें भी पावर आगे जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा यानी 3 कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, पर कॉस टी का माइनस साइन टी फिर से हमें करना पड़ेगा, तो डी वाई अपॉन डी टी हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 3b cos square t into sin t। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। अब हमें dy upon dx निकालना है क्योंकि स्लोप dy by dx से हम फाइंड करते हैं, तो dy by dx इक्वल dy upon dt और dx upon dt, क्योंकि यदि हम dt से dt कैंसिल करें तो dy by dx भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो dy upon dt और dx upon dt की जो वैल्यू हमें मिल चुकी है उसको हम पुट करके निकालते हैं, dy upon dx इक्वल माइनस 3b कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी अपॉन 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा माइनस का b कॉस टी अपॉन a साइन टी। तो देखें डिवाइड बाय dx हमें प्राप्त हो गया माइनस के b कॉस टी अपॉन a साइन टी। Therefore, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट t इक्वल पाई बाई टू, तो t इक्वल पाई बाई टू पर हमें स्लोप निकालना है, तो dy वाई बाई डी एक्स में टी की जगह पर पाई बाई टू लिखेंगे, तो dy वाई बाई डी एक्स टी इक्वल पाई बाई टू, तो इक्वल माइनस बी कॉस पाई बाई टू अपॉन ए साइन पाई बाई टू, तो कॉस पाई बाई टू की वैल्यू 0 होती है और साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1, तो इस प्रकार से हमें 0 अपॉन ए प्राप्त हो जाएगा, तो फाइनली ये 0 हमें स्लोप मिल जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स टी इक्वल पाई बाई टू पर हमें स्लोप कितना प्राप्त हो गया 0। ऑल्सो वेन टी इक्वल पाई बाई टू, यानी जब टी पाई बाई टू है उस समय एक्स और वाई से जो पॉइंट हैं पॉइंट कितने होंगे, तो हमको एक्स इक्वल ए साइन क्यू टी दिया था, इसमें टी की जगह पाई बाई टू लिख देंगे, तो ए साइन क्यू पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 होती है, तो इस प्रकार एक्स की वैल्यू ए आ जाएगी। तो जब टी पाई बाई टू है उस समय एक्स कितना आ जाएगा ए, फ्रॉम y इक्वल a cos qt से, a cos qt से हम t की जगह पे पाई बाई टू पुट करेंगे, तो y इक्वल a cos q पाई बाई टू, पाई बाई टू यानी cos पाई बाई टू की वैल्यू 0 होती है, तो y हमें 0 मिल गया। तो t इक्वल पाई बाई टू पर पॉइंट क्या हो गया, a और 0, x की वैल्यू a और जो y की वैल्यू 0, यानी हमें पॉइंट भी पता चल गया t इक्वल पाई बाई टू पर और स्लोप भी पता चल गया। तो अब हम टेंजेंट की इक्वेशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हेंस द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट टी इक्वल पाई बाई टू, दैट इज ए जीरो पर, यानी इस जीरो पर ए जीरो पॉइंट पॉइंट में भी हमें पता चल गया, तो इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा का समीकरण टू द गिवन कर्व, जो कर्व दिया है उस कर्व के टी इक्वल पाई बाई टू पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, बाय माइनस बाय वन, बाय वन कितना है 0, इक्वल टेंजेंट का जो स्लोप है वो कितना मिल गया था हमें 0, m इक्वल 0 यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 0 आई थी t इक्वल पाई बाई टू पर, और x माइनस x1 कितना है a, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो y इक्वल 0 यानी टेंजेंट की इक्वेशन हमें y इक्वल 0 प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से जितने भी ये क्वेश्चन होते हैं हमने पूरे एग्जाम्पल के सॉल्व आपको प्रस्तुत कर दिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप करके देखें। कोई भी क्वेश्चन में यदि आपको किसी आपके साथी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बताएं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर हम उसको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारा एक ग्रुप है उस ग्रुप में ज्वाइन हों, तो हम उस ग्रुप में आपको समय समय पर जो अच्छे अच्छे टॉपिक हैं मोस्ट क्वेश्चन हैं उनके वीडियो बनाकर अपलोड करते रहेंगे, तो आप उसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने सब्जेक्ट में मैथ्स में आप एक्सपर्ट हों, आपको कोई भी डाउट उसमें ना रहे, और मैथ्स आपका ऐसा सब्जेक्ट हो बिल्कुल इजी, क्योंकि हमने देखा है अधिकतर मैथ्स
समझ में आ जाता है तो वो बिल्कुल इजी हो जाता है, और समझ में नहीं आता तो छोटी से छोटी चीज़ उसमें बहुत टफ लगती है। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर इस वीडियो का आनंद उठाएं और अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें। इसी के आगे की एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। आप इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों तक शेयर करें, जिससे आपके साथी भी इस वीडियो को देखकर अपनी डाउट को सॉल्व कर सकें। नमस्कार।